हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सो आवर क्वेश्चन सेज दैट यू आर गिवन वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन एंड केरोसिन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली एट सेम एंगल वुड बेंड द मोस्ट? ए केरोसिन, बी वाटर, सी मस्टर्ड ऑयल और डी ग्लिसरीन। तो हमें इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि हम लोग को चार मीडियम दिया हुआ है। पहला वाटर, दूसरा मस्टर्ड ऑयल, तीसरा ग्लिसरीन और चौथा केरोसिन। ये मान लेते हैं हमारा चार मीडियम है। पहला वाटर है, दूसरा हमारा मस्टर्ड ऑयल है, तीसरा हम लोग का ग्लिसरीन है एंड चौथा हम लोग का केरोसिन है। तो इनमें बोला जा रहा है कि जो लाइट है वो सेम एंगल ऑफ इंसिडेंट पर एंटर हो रही है, मान लेते हैं आई। तो सारे में जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वो सेम एंगल पर हो रही है, यानी आई पर ही हो रही है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि लाइट किस केस में सबसे ज्यादा बेंड होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल सबसे ज्यादा किस पर बेंड होगी। तो चलिए सबसे पहले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लेते हैं इन चारों मीडियम का। तो वाटर का जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.33। मस्टर्ड ऑयल का जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.46। ग्लिसरीन का जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.47 और केरोसिन का जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.44। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा जो ग्लिसरीन है उसका सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी ये ऑप्टिकली डेंसर है, यानी जो लाइट होगा हमारा इसी केस में सबसे ज़्यादा बेंड होगा। हेंस रे ऑफ लाइट बेंड्स मोर विथ ग्लिसरीन, यानी हमारा जो ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट हो जाएगा, जो कि ग्लिसरीन। सो डी विल बी आवर राइट आंसर। होप यू गॉट दिस वेल। बेस्ट ऑफ